पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को मनासा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एवं अनुविभागीय अधिकारी मनासा संजीव मिले के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक KL डांगी के नेतृत्व में मनासा पुलिस द्वारा ग्राम उच्चेड़ में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी किया गया मशरू का भी जब्त किया गया है। मामले में फरियादी कारू लाल पिता चांदमल नागदा निवासी उच्चेड़ द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 19 सितंबर को उसकी अलमारी में रखी नकदी, सोने की मंगलसूत्र, चांदी की पायल व एक एंड्रॉइड मोबाइल चोरी हो गया है, जो उक्त मोबाइल गांव के तूफान पिता लालू राम गुर्जर के कब्जे में देखा गया। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आरोपी तूफान पिता लालू राम गुर्जर, संदीप पिता नानू राम नायक एवं राकेश पिता भगत राम मेघवाल को गिरफ्तार कर प्रकरण में चोरी किया गया मशरू का बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में पूछताछ अभी जारी है। में 3 आरोपियों की नकबजनी की रिपोर्ट पर से हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तूफान, संदीप और राकेश जो ग्राम उच्चेड़ और तामोती के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करके इनमें चोरी गया मशरू का करीब 8,000 रुपये नकदी, मोबाइल, मंगलसूत्र आदि मशरू का इनसे बरामद करके और इनको न्यायालय में पेश किया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। ये और अन्य मामले में तो संलिप्त नहीं है और इनके साथ और भी कोई गैंग के सक्रिय सदस्य तो नहीं है, उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। करीब 50,000 रुपये का मशरू का बरामद हुआ है और भी इनसे चोरी को खुलासा होने की संभावना है।